बहुत प्यार करते थे उससे। एक पल में मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मुझे नहीं पता वो लोग क्या चाहते। आई नीड योर हेल्प प्लीज रॉनी, श्रिया को ढूंढने में मेरी मदद करोगे प्लीज? किस मूवी का रीमेक था बागी 2? कैसे थे ऋषि और रॉनी की लाइफ बराबर? क्या वाकई रॉनी की बेटी थी रिया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पंखुरिया, स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं बागी फ्रेंचाइजी की फिल्म बागी 2 के बारे में, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि बागी 2 की कहानी एक तमिल फिल्म की रीमेक थी। बागी का ये सीक्वल एक तेलुगु फिल्म शरम का रीमेक है। इसकी कहानी कुछ ऐसी थी, ऋषि और श्वेता एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन श्वेता की शादी कार्तिक से हो जाती है। कार्तिक एक भाई है बॉबी, जो कि बहुत ड्रग्स करता है। ऋषि अपना काम धंधा करने विदेश चला जाता है। वो अपने एक रिश्तेदार की शादी का बहाना बनाकर इंडिया आता है। इंडिया में उसे श्वेता मिलती है और बताती है कि उसकी 5 साल की बेटी रिया का किसी ने किडनैप कर लिया है। दिक्कत ये है कि श्वेता के अलावा किसी को भी नहीं पता कि श्वेता की एक बेटी भी है, यहाँ तक कि कार्तिक को भी नहीं पता। फिर ऋषि को बॉबी के बारे में पता चलता है, जिसका श्वेता के घर काफी आना जाना है। वो इस मामले की थोड़ी बहुत छानबीन करता है। यहीं पर कहानी में बाबू खान नाम का एक आदमी आता है, जो ऋषि को कुछ गुंडों से बचा लेता है। मामले को बेहतर तरीके से समझने के लिए ऋषि श्वेता के पति से मिलता है और उसे पता चलता है कि श्वेता और कार्तिक को कोई बच्चा नहीं था। कार्तिक ऋषि को बताता है कि कुछ दिनों पहले ही कुछ गुंडों ने गाड़ी चोरी करने के लिए श्वेता से मारपीट की थी। इसके बाद श्वेता कोमा में चली गई थी और जब से ठीक हुई है एक ही रट लगाए हुए है कि उसकी 5 साल की बच्ची रिया कहीं गुम हो गई है। कहीं भी बच्चे की खबर न पाकर ऋषि भी बाकियों की तरह श्वेता को मानसिक रूप से बीमार समझने लगता है। ठीक उसी समय ऋषि को बच्ची के होने का सुराग मिलता है। इससे पहले कि वो श्वेता से कुछ बात करे, वो आत्महत्या कर लेती है। इस सुसाइड केस की छानबीन का काम एसीपी जया और इंस्पेक्टर रवि चौधरी को दिया जाता है। अब स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। बाबू खान ऋषि को बताता है कि उसने बॉबी को रिया को किडनैप करते हुए देखा है। पुलिस बॉबी को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस कस्टडी में ही जया बॉबी को आत्म सुरक्षा में मार देती है। उसी रात कुछ लोग ऋषि पर हमला भी करते हैं। इसमें बाबू खान की मौत हो जाती है, लेकिन ऋषि एक हमलावर के फोन में एसीपी जया का एक एमएमएस देख लेता है, जिसमें वो ऋषि को मारने का ऑर्डर देती हुई दिखाई देती है। ऋषि जया को उसके फार्म हाउस पर मिलने जाता है। उसी फार्म हाउस में रिया भी छिपाई गई है। यहाँ पर जया ऋषि को बताती है कि कार्तिक रिया को मारना चाहता था ताकि वो श्वेता को तड़पा सके। उसने अपने सभी जानने वालों को मना लिया था कि श्वेता को कभी ना बताए कि उसकी एक बच्ची थी। श्वेता अपनी इकलौती बेटी का शौक सह नहीं पाएगी और मर जाएगी। इसी बातचीत के दौरान जया ऋषि को मारने की कोशिश करती है, लेकिन इंस्पेक्टर रवि उसे मार देता है। पुलिस कार्तिक को अरेस्ट करती है, तब वो बताता है कि रिया उसकी बेटी थी ही नहीं। मेडिकल रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हो जाती है। फिर ऋषि को पुरानी बात याद आती है और पता चलता है कि रिया उसकी ही बेटी है, और फिर पिक्चर खत्म हो जाती है। अगर इस कहानी में आप टाइगर श्रॉफ का एक्शन वगैरह मिला दें तो एक पल की बागी 2 की स्टोरी बन जाती है। ऊपर से बागी 2 की स्टार कास्ट भी इतनी भयानक थी कि इस फिल्म में मनोज वाजपेयी, रणदीप हुड्डा, दीपक डोबरियाल, दर्शन कुमार और प्रतीक बब्बर जैसे कलाकारों ने काम किया है। फिल्म में टाइगर की हीरोइन है दिशा पटानी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को।